अभी एक और विचार है कि आज़ादी का तो पर्व है, साथ में आज़ादी उस सोच से भी चाहिए जो हमें एक पशुता की सोच होती है जो प्रेरित करती हैं या हमारे ऊपर कब्जा करती हैं। जैसे अभी हम पड़ोसी देशों में भी देख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कब्जा कैसे किया जाए, चाहे वो आर्थिक साम्राज्यवाद हो चाहे वह भौतिक साम्राज्यवाद जी हो। इससे भी आज़ादी चाहिए, इसके ऊपर एक कविता है। क्यों क्यों करते हैं हम एक दूसरे के मरने की कामना, क्यों करते हैं हम एक दूसरे के मरने की कामना कि हम ही जीवित रहें। हम तो बिना इस कामना के वैसे भी तो जीवित रह सकते हैं। क्यों क्यों कुछ भी ढाएं, क्यों कुछ भी ढाएं, क्यों बारूद दहलाएं, स्वेज नहर के इस पार या उस पार, क्यों करें संहार, क्यों बनाना चाहते हैं एक दूसरे को अपने धर्म का गुलाम। क्यों हम तो वैसे भी तो जीवित रह सकते हैं। क्यों चाहते हैं एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर अधिकार, क्यों चाहते हैं एक मुल्क का दूसरे मुल्क पर अधिकार, क्यों चाहते हैं हम कि बिल्कुल हमारी जीवन पद्धति अपनाए दूसरे भी, क्यों चाहते हैं हम कि दूसरे भी हमारी ही तरह सोचें जबकि हम वैसे भी तो जीवित रह सकते हैं। हम ये क्यों नहीं चाहते कि दूसरे भी अपने परों से उड़ान भरें, हम ये क्यों नहीं चाहते कि दूसरे भी अपने परों से उड़ान भरें और तलाशें उस प्रकाश को जो शायद कम दिया है हमें उसने, और हम भी देख सकें उस संपूर्ण प्रकाश स्वरूप को, उसके नूर को, जिससे हम सभी जीवित रहें एक साथ हंसते हुए गाते हुए। पे ये सोच आ रही है कि अभी की युवा पीढ़ी के लिए, क्योंकि हम हर चीज के लिए जिस तरह की अभी चल रहा है आत्मनिर्भर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, आज जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने भी बोला कि हमारे को अपनी सोच को विकसित करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो मुझे याद आई कि युवा पीढ़ी के लिए कुछ इस तरह की बात भी होनी चाहिए। तो कविता का शीर्षक है यायावर। यायावर का अर्थ होता है घुमंतु। बात शीर्षक है यायावर। बात बहुत पुरानी नहीं है, 51 वर्ष पहले की बात। बात बहुत पुरानी नहीं है, 51 वर्ष पहले की बात है। गांव स्वावलंबी थे, वही आत्मनिर्भर वाली बात। गांव स्वावलंबी थे, सारी आवश्यकताएं गांव में चालित उद्योगों और उद्यमों से पूरी होती थी। लोहा और नमक मात्र, ये दो ही चीजें बाहर से आती थी। लोहा और नमक मात्र दो ही चीजें बाहर से आती थी, क्योंकि गांव की मिट्टी से ही बर्तन बनाए जाते, गांव के चमड़े से ही मशक, चरस और जूते, गांव के पशुओं से ही दूध, दही, ऊर्जावान घी। गांव की यौवनाएं और उनके दुल्हों की बारात का स्वागत करने को आतुर गांव के नौजवान, एक गांव से दूसरे गांव की सेतु, पगडंडियां, और उन पगडंडियों में प्रेम के बिखरे पराग। पर अब न जाने क्या बयार चली, अब न जाने कैसी बयार चली कि गांव में तो कुछ होना ही बंद हो गया। बर्तन बाहर से, सब्जियां तक बाहर से, प्रेम की बयार और गुहार भी बाहर से, प्रेम की बयार और गुहार भी बाहर से। मन करता है बचे खुचे बंजारों के साथी, उनके सामान वाहक गधों का साथी बन, स्वयं भी ढो उनका लाया हुआ नमक और लोहा, और साथ हो जाऊं उनके बनकर यायावर। रिरियाऊं उनसे कि पुराने स्थापित मूल्यों की तरह उठा लो अपना डेरा डंगर और मुझे भी साथ ले चलो, अपनी न छोड़ी जाने वाली किसी प्रथा की तरह मुझे भी साथ ले चलो। एक विचार और आपसे बांटना चाहता हूँ कि आतंकवाद आज दुनिया की बहुत बड़ी समस्या और एक तरह से कह सकते हैं पराधीनता बन चुका है। हमें उससे भी स्वाधीनता चाहिए, उससे भी आज़ादी चाहिए। आतंकवाद, आतंकवाद की आग हर जगह सुरसा की तरह फैल रही है। तो कविता है, दफना दो इस आतंक की आग को, दफना दो आग को। आह, आग बन गई दुश्मन, आग ममता सी रही सदैव, ठंड से बचाती, भोजन भी पकाती, पर अब तो बन गई दुश्मन यही आग। कभी 9 सितंबर की अमरीकी तबाही, कभी 26 नवंबर की मुंबई त्रासदी, और अब बन बैठी राक्षसी अंतहीन आतंकी विस्फोटों के रूप में। तो दफना दो आग को, आग आतंक की जो न होगी,
तो खा लेंगे सब्जियां कच्ची, खा लेंगे अनाज भी कच्चा, सह लेंगे ठंड को भी, दबा दो आग को बहुत नीचे कि ये आग बारूद के पासंग भी ना फटक सके, कि ये आग बारूद के पासंग भी ना फटक सके। नहीं चाहिए आग न दिल में न जिगर में न दिमाग में, दफना दो आग को, दफना दो इस आतंकी आग को। क्योंकि राष्ट्रवाद भी हर चीज अति तो हर चीज की बुरी होती है, लेकिन हमें अपने राष्ट्र और अपनी संस्कृति पे गर्व करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो सोच है, जो हमारी संस्कृति है, विश्व की प्राचीनतम और सबसे महान संस्कृतियों में से एक है। तो एक राष्ट्र के लिए ही एक कविता आई, कदापि नहीं, शीर्षक इसका कदापि नहीं। बच्चे जो निर्दोष होते हैं, बच्चे जो निर्दोष होते हैं, में से एक ने प्रश्न किया मुझसे, ऐसा खेल बताओ ना जिसमें विजेता टीम पीछे हटती है, ऐसा खेल बताओ ना जिसमें विजेता टीम पीछे हटती है। मैंने बहुत मथा अपने मस्तिष्क को, मैंने बहुत मथा और उत्तर दिया, ऐसा तो कोई कैसे खेल हो सकता है जिसमें विजेता टीम पीछे हटे, ऐसा तो कैसा कोई खेल हो सकता है जिसमें विजेता टीम पीछे हटे और पीछे हटने वाला जीते। बच्चे ने कहा मुस्कुराते हुए, रस्सा कशी, बच्चे ने कहा मुस्कुराते हुए, रस्सा कशी, फिर बच्चे की मुस्कुराहट, परंतु मेरे भाल पर चिंता की लकीरें। बच्चे की मुस्कुराहट लेकिन मेरे भाल पर चिंता की लकीरें, क्या इसीलिए सभी लोग पीछे हट रहे हैं जीतने की आशा के साथ? क्या इसी कारण सभी जन पीछे हट रहे हैं जीत की आशा के साथ? ना, रस्सा कशी तो सिर्फ क्रीड़ांगन में ही, खेल के मैदान में ही, समाज के प्रांगण में नहीं, समाज के मैदान में नहीं, राष्ट्र के प्रांगण में नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं।